भाई दुनिया भर की कार कंपनीज एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार बनाने में लगी हुई है। हर कंपनी का दावा है कि उनकी गाड़ी बेहतर है तो उनकी गाड़ी बेहतर है, और रेंज बढ़ाने पे सब लोग काम कर रहे हैं। टेस्ला ये अभी तक नंबर वन इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, लेकिन इसको टक्कर देने के लिए चाइनीज इलेक्ट्रिक कार कंपनी मार्केट में है जो कि हुआवे है। ये चाइनीज टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ये लोग तरह तरह की टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और हुआवे ने अपनी एक नई इलेक्ट्रिक कार बनाई है जिसकी रेंज 1100 किलोमीटर की बताई जा रही है। हालांकि इसके अंदर एक पेट्रोल इंजन भी है और एक इलेक्ट्रिक मोटर भी। क्या है ये गाड़ी, क्यों है इतनी खास, कैसे देती है टेस्ला को टक्कर, आइए जाने इस वीडियो में। मेरा नाम है मानव, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चाइनीज टेक कंपनी हुआवे ने अपनी मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी मार्केट में उतार दी है, और इसकी सीधी टक्कर इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी टेस्ला की मॉडल वाई से है, क्योंकि इसने टेस्ला की रेंज को भी मात दे दी है। हुआवे का कहना है कि उनकी ऑटोनोमस कार ग्लोबल ऑटो मार्केट को बदल देगी। इस गाड़ी में 1.5 लीटर का एक टर्बो चार्ज इंजन लगा है, लेकिन ये इंजन गाड़ी को चलाता नहीं बल्कि बैटरी पैक के लिए एक जनरेटर की तरह काम करता है। आईटो M5 जो कि हुआवे की एक इलेक्ट्रिक कार है, सिंगल चार्ज में आपको तकरीबन 1100 किलोमीटर तक की मिलेगी। कंपनी का दावा है कि उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल 0 to 100 किलोमीटर मात्र 4.4 सेकंड्स में पहुंच जाती है। हुआवे की आईटो M5 फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन में आती है, साथ ही इसमें आपको 6 कलर ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये गाड़ी चाइना में लॉन्च हुई है और उसके लॉन्च के 4 दिन के अंदर ही 6500 यूनिट्स बुक हो गए थे, जो कि काफी अच्छा नंबर है। इसकी कीमत के बारे में बात करें तो 2,49,800 युआन यानी कि तकरीबन 30,39,951 रुपए है, और इसका टॉप एंड वेरियंट तकरीबन 38 लाख रुपए का है। फिलहाल ये गाड़ी चाइना तक सीमित है, इसके ग्लोबल लॉन्च के ऊपर कंपनी ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। हालांकि चाइनीज चीज ज्यादा लंबी नहीं टिकती, लेकिन ये गाड़ी अगर ग्लोबली आती है तो टेस्ला के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं, और आपकी कौन सी फेवरेट इलेक्ट्रिक कार है ग्लोबली इसके बारे में भी हमें जानकारी जरूर दें।